to exam Kabila tutorials. आज मैं 23 मार्च 2016 के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी. ये कैटेगरीज की लिस्ट है जो इस सेक्शन में कवर होगी. फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस बिल पास किया है? करेक्ट आंसर है पंजाब. पंजाब असेंबली ने द पंजाब सेटलमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस बिल 2016 पास किया. इस बिल का उद्देश्य एग्रीकल्चरिस्ट, लेबर्स और जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट्स हैं उन सभी को फेयर सेटलमेंट और डेप्ट रिलेटेड डिस्प्यूट्स में रिलीफ देना है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल, गवर्नर हैं कप्तान सिंह सोलंकी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र देव कमेटी की रिकमेंडेशंस के अनुसार मनरेगा वेजेस को कितने परसेंट से इंक्रीज करेगी? करेक्ट आंसर है 6%. इस नई इंक्रीज्ड वेजेस की कैलकुलेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल, जिसे शॉर्ट में सीपीआई रूरल भी कहते हैं, के बेसिस पर की गई है. इससे पहले तक वेजेस की कैलकुलेशन सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर पर की जाती थी. सीपीआई रूरल को यूज करने का मेन रीजन यह है कि सीपीआई रूरल सीपीआई एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में ज़्यादा रीसेंट है और यह वर्कर्स को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करता है. इसके अलावा केरला की मिनिमम वेजेस लगभग 500 रुपये है, जो कि देश में दूसरे राज्यों से ज़्यादा है, और बिहार की मिनिमम वेज 170 रुपये से कम है, जो कि देश में सबसे कम है. मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी कौन से राज्य में 250 मेगावाट की यूनिट कमीशन करेगी? करेक्ट आंसर है बिहार. एनटीपीसी बिहार के नाभीनगर थर्मल पावर स्टेशन पर 250 मेगावाट कैपेसिटी की एक यूनिट कमीशन करेगी. यह पावर प्लांट एनटीपीसी की सब्सिडरी भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड के द्वारा ओन्ड किया गया है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कैपिटल पटना, गवर्नर हैं रामनाथ कोविंद. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कौन सी ब्रिक्स एनुअल समिट 2016 होस्ट करेगा? करेक्ट आंसर है 8th. यह 8th एनुअल समिट गोवा में 15-16 अक्टूबर को आयोजित होगी. ब्रिक्स नेशंस हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका. इस समिट का लोगो एक लोटस है, जिसका कलर 5 मेंबर कंट्रीज से लिया गया है और इसके सेंटर में ट्रेडिशनल नमस्ते का साइन है. 2016 के लिए ब्रिक्स समिट की थीम है बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशंस. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 2015 में ब्रिक्स समिट का वेन्यू था यूएफए रशिया. गोवा की कैपिटल है पणजी. यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुषमा स्वराज. ब्रिक्स बैंक एनबीडी के हेड हैं केवी कामत. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट ने किस ऑर्गेनाइजेशन की सिल्वर जुबली को ऑनर देने के लिए कस्टमाइज्ड स्टैम्प लॉन्च किए हैं? करेक्ट आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL. इंडिया पोस्ट ने पहली बार कस्टमाइज्ड माय स्टैम्प लॉन्च किया है और HAL पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका पार्ट बना है. HAL के द्वारा लॉन्च किए गए इस स्टैम्प में HAL की पास्ट 75 ईयर्स की जर्नी को दर्शाया गया है. इस लोगो में HAL का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट HT2 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस को दर्शाया गया है. इसके साथ ही एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव को भी दिखाया गया है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंडिया पोस्ट के डायरेक्टर VM चमोला, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उषा चंद्रशेखर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने भारत में
लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी लॉन्च की है? करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर LASI लासी, जिसकी फुल फॉर्म है लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया। भारत में एडल्ट हेल्थ और एज से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव और इंटरनेशनली कंपेरेबल सर्वे डेटा नहीं है। यह लासी 29 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में नेशनल सर्वे करेगा, जिसके बाद भारत की एडल्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स और पॉपुलेशन की एज के प्रोसेस को समझने में मदद मिलेगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर JP नड्डा, सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर BP शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन CEO को विश्व के टॉप 30 ग्लोबल CEOs में रखा गया है? करेक्ट आंसर है D, बोथ A and C, यानी कि आनंद महिंद्रा एंड आदित्य पुरी। आनंद महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के ओनर हैं और आदित्य पुरी SDFC बैंक के ओनर हैं। यह 30 CEOs की ग्लोबल लिस्ट बैलेंस के द्वारा रिलीज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को किस कंपनी का शेयर होल्डर और ब्रांड एम्बेसिडर बनाया गया है? करेक्ट आंसर है स्मार्ट्रॉन। स्मार्ट्रॉन एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया है और इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसिडर भी बन गए हैं। यह कंपनी स्मार्ट डिवाइसेस और IoT प्रोडक्ट्स, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोडक्ट्स बनाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्मार्ट्रॉन के फाउंडर हैं महेश लिंगा रेड्डी। सचिन तेंदुलकर फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, जिन्हें भारत रत्न, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICRA के द्वारा 2016-17 के लिए भारत की GDP ग्रोथ कितने % फोरकास्ट की गई है? करेक्ट आंसर है 7.75%। करंट फिस्कल ईयर 2015-16 के लिए इंडियन इकोनॉमी की फोरकास्टेड GDP रेट 7.6% है और नेक्स्ट फिस्कल ईयर 2016-17 के लिए इसे ICRA के द्वारा 7 to 7.75% के बीच फोरकास्ट किया गया है। GDP ग्रोथ में इंक्रीज इसलिए फोरकास्ट किया गया है क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 7 सेंट्रल पे कमीशन और 1 रैंक 1 पेंशन लागू होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ICRA के फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसे 1991 में फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ब्यूरो ऑफ NHRI ICC का मेंबर अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर है HL दत्तू। चीफ जस्टिस HL दत्तू को ICC ब्यूरो ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, जो कि जिनेवा में स्थित है, का मेंबर अपॉइंट किया गया है। NHRI ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 मार्च को किस दिन की तरह सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर है डी, बी एंड सी बोथ, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे एंड वर्ल्ड मार्चर्स डे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे यानी कि मौसम विज्ञान दिवस, इसे इस दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 23 मार्च 1950 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था। और दूसरा है मार्चर्स डे, जिसे भारत में सर्वोदय डे और शहीद दिवस भी कहते हैं। इस दिन को भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के द्वारा किए गए देश के लिए सेक्रीफाइस की याद में मनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, please subscribe our channel and share this video. Thank you.